आज का वरदान साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूरत और उद्धार मूरत भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांत है स्वयं को, इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ों में देखें, बीच शिव बाबा के साथ आदिदेव ब्रह्मा बाबा आदि देवी जगदम्बा सरस्वती माँ के साथ मैं आत्मा आदि रचना हूँ। संपूर्ण सृष्टि के आधार मूर्त हो मेरे हर संकल्प हर बोल हर कर्म का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। मेरी आंतरिक स्थिति सर्व मनुष्य आत्माओं को प्रभावित करती है। महसूस करें इस ब्राह्मण जन्म के महत्व को। मैं आत्मा ईश्वरीय याद और ज्ञान के बल से जितनी धारणा मूर्त शक्तिशाली बनते हो उसी के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सर्वात्माएं भी शक्तिशाली महसूस करती है। मेरी धारणाओं की कमजोरी आत्माओं को कमजोर करती है। फील करें मैं सदैव बीच के साथ हर पल मन बुद्धि को जोड़े रखती हूँ। ईश्वरीय स्नेह के जल से सर्वात्माओं को सींचती रहती हूँ। महसूस करें मुझ आत्मा से निकलती ईश्वरीय शक्तियाँ पवित्रता और ज्ञान का भोजन सर्वात्माओं को अंतर से भरपूर कर रहा है। विकारों की अग्नि से आत्माओं रूपी पत्ते जो जल कर
सूख गए थे। उनमें पुनः ईश्वरीय जल से नव प्राण भर गए हैं। महसूस करते जाएं कल्प वृक्ष के इस पुनर्जीवन दान को। मेरे अंतर की शुभ भावना, शुभ कामना के वृत्ति आत्माओं की कृति और सृष्टि बदल रही है। देते जाए उद्धार मुहूर्त, आधार मुहूर्त बन विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण करते जाए। मेरी आंतरिक स्थिति मेरे हर कर्म को स्वतः ही ऊंचा बना रही है। ये सर्वश्रेष्ठ स्मृति, ये आत्मिक दृष्टि, विशाल बुद्धि मेरे कृति को इतना श्रेष्ठ बना रही है जो ब्रह्मा बाबा के समान हर कर्म यादगार बन रहा है। इसी कर्म के कारण द्वापर में भक्त लोग हमारे जड़ चित्रों से सुख, शांति, समृद्धि और सर्व प्राप्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारे गुणगान करते हैं। मैं हर कर्म को यादगार बनाने वाली आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त हूं ओम शांति।